नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था भाई साहब मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब मनोज, जो कि आपका एक बार सवाल पढ़ के देखते हैं। इतनी बार में आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, जो भी और बहन भाई भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना भाई फटाफट से, जो कि इनका बहुत ही अच्छा सवाल है। हम पढ़ के देखते हैं, 1 kg बेसन में कितने पकौड़े बन जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई साहब को। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ, हमने ये देखना होता है भाई हम किन किन चीज़ों को इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए आलू या प्याज या फिर भाई पालक, जो कि इनके डिफरेंस के अनुसार अलग अलग वेट बैठता है। मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, जो कि मान लीजिए हमने 600 ग्राम आलू लिए, ठीक है, और 300 ग्राम पालक है, 600 ग्राम हो गए, और 100 ग्राम प्याज। यदि हम 1 किलो बेसन लेते हैं तो 1 किलो हमारा जो वेट होगा वो हमने जो माल कटिंग है उसकी वो भी डालनी होगी इसके अंदर, ठीक है। 1 किलो बेसन और 1 किलो हमने जो कटा हुआ माल है वो डाल लिया। लगभग इस चीज़ के हम पकोड़े बना करके देखते हैं तो 2 से 2 किलो 50 ग्राम वेट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 1 किलो आपने बेसन लिया है, 1 किलो दूसरा आइटम लिया है, मान लीजिए उसमें भाई पालक ज़्यादा डाल दी या फिर प्याज ज़्यादा होगी या फिर ज़्यादा आलू ज़्यादा होगी, लगभग हम इसकी मैक्सिमम औसत निकाल के देखते हैं तो 2 किलो 200 ग्राम तक या 1 किलो 900 ग्राम तक की वेट होगी, जो 100-200 ग्राम वेट में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई साहब। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।